Hello everyone, this is Mansi from evithati.in. Now we are starting with exercise 6.3. This is question number 1. So in this question we have to subtract. Ab yahan pe aapke paas jo integers given hai, aapko unhe subtract karna hai. The first one is 35 minus and in brackets 20. Ab 20 ke saath sign nahi hai koi. This means this is positive 20. So agar hum iska bracket se bahar bhi nikalenge, so it will be 35 minus, ab koi sign nahi hai, this means plus, so minus plus minus and this will be 20. Now 35 minus 20 is 50. So hamara answer aa jayega 50. Okay, so this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the B part. B part mein we have 72 minus 90. Ab yahan pe 90 aapke paas fir se bracket ke andar hai, lekin iske saath koi sign nahi hai, which means plus. So ye ho jayega 72 minus plus minus, so minus 90, right? Now we have to 72 minus 90 karna hai aapko. So 72 mein se to 90 minus nahi ho sakta, so 90 minus 72 kar denge, right? This will be, ye 10 ho jayega, 10 minus 2 is 8, this will become 8, 8 minus 7 is 1. So my pass aa gaya 18. Lekin sign kaun sa aayega? See, dono mein se bada number kaun sa hai? 90. 90 ke saath minus ka sign hai. So this will be minus 18. Okay? This was the B part. Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part mein my pass hai minus 15 minus minus 18. Ab dekho, bracket ke andar jo number hai uske saath माइनस का साइन है. सो सबसे पहले तो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. ये हो गया माइनस 15, दिस इज माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा प्लस 18, राइट? सो ये हो गया माइनस 15 प्लस 18. नाउ अब हमारे पास एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस मींस आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है. अब 18 में से 15 सब्ट्रैक्ट करने हैं, सो वी विल गेट 3. Now, अब ये 3 के साथ प्लस का साइन आएगा या माइनस का? सो हम इन दोनों में से देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है. 18 इज ग्रेटर देन 15. 18 के साथ प्लस का साइन है, सो 3 पॉजिटिव होगा. सो मेरे पास आंसर आ गया. ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर सी. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द डी पार्ट. डी पार्ट में हमारे पास है माइनस 20 माइनस 13. सो 13 अगेन ब्रैकेट में है लेकिन उसके साथ कोई साइन नहीं है, सो दिस मींस ये होगा पॉजिटिव, मींस प्लस 13. नाउ लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स. ये हो गया माइनस 20, दिस इज माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 13, राइट? अब ये भी नेगेटिव है, ये नंबर भी नेगेटिव है, सो माइनस माइनस प्लस. अब ये दोनों नंबर्स एड होंगे, सो दिस विल बी 3, देन 2 प्लस 1 3, सो मेरे पास आ गया 33. ऑल्सो साइन कौन सा आएगा? दोनों के साथ ही माइनस के साइन और बड़े नंबर के साथ भी माइनस साइन है, सो दिस विल बी माइनस 33. ओके, सो दिस वाज़ द डी पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द ई पार्ट. ई पार्ट में है 23 माइनस माइनस 12. अब हमारे पास ब्रैकेट में जो नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है, सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, दिस विल बी 23 माइनस माइनस प्लस, साथ में है 12, सो 23 प्लस 12, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5, देन 2 प्लस 1 3, सो मेरे पास आ गया 35. नाउ साइन दोनों के साथ पॉजिटिव है तो ये प्लस 35 रहेगा. ओके, सो दिस वाज द ई पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द एफ पार्ट. एफ पार्ट में है माइनस 32 माइनस माइनस 40. अब यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस है तो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हमारा एज इट इज रहेगा माइनस 32, दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 40, राइट? नाउ माइनस प्लस माइनस, सो मतलब ये दोनों नंबर्स सब्ट्रैक्ट होंगे. 40 माइनस 32 इज 8, और साइन किसका आएगा? दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 40. 40 के साथ प्लस, 40 के साथ प्लस का साइन है, सो ये पॉजिटिव 8 रहेगा, मींस आंसर इज 8. ओके, सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.